क्यों टूटा सलमान खान और ऐश्वर्या राय का रिश्ता, सुसाइड करने को तैयार थे ये सुपरस्टार। नमस्कार, मैं श्रुति अंगद और आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। साल 1999, संजय लीला भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम, सलमान खान और ऐश्वर्या राय बच्चन की जोड़ी ने करोड़ों दिलों में जगह बनाई थी। इस फिल्म की शूटिंग के वक्त सलमान और ऐश्वर्या एक दूसरे को रियल लाइफ में भी दिल दे बैठे थे, लेकिन वक्त के साथ दोनों का रिश्ता कमजोर पड़ने लगा और आज आलम यह है कि दोनों एक दूसरे का नाम भी सुनना पसंद नहीं करते। जब हिल गई रिश्तों की बुनियाद, सलमान खान और ऐश्वर्या राय के रिश्तों को लेकर जितनी हूं उतनी बातें हैं। बॉलीवुड के ये लव बर्ड्स करीब 3.5 साल साथ रहे। साल 2002 में रिश्तों की बुनियाद तब हिल गई जब ऐश्वर्या ने सलमान पर मारपीट का आरोप लगाया। हालांकि सलमान ने कभी इन आरोपों को स्वीकार नहीं किया, लेकिन उनकी छवि एक ऐसे दिलफेक और गुस्सैल शख्स की थी कि हर किसी की नजरों ने सलमान को जमकर कोसा था। आधी रात को सलमान ने किया वो हाई वोल्टेज ड्रामा। बताया जाता है कि ऐश और सलमान के रिश्तों में करवाहट 2001 में ही घुलनी शुरू हो गई थी। वह नवंबर का महीना था। देर रात सलमान को ऐश्वर्या के अपार्टमेंट के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा करते हुए देखा सुना गया था। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि सलमान गुस्से में थे और वो लगातार ऐश्वर्या के घर का दरवाजा पीट रहे थे। ऐश्वर्या दरवाजा नहीं खोल रही थी। सलमान को तब वहां यहां तक कहते हुए सुना गया कि यदि दरवाजा नहीं खुला तो वह सुसाइड कर लेंगे। दरवाजा पीटते पीटते सलमान के हाथों से खून बह रहा था। 2 से 3 घंटे तक चले इस ड्रामे के बाद ऐश्वर्या ने 3 बजे दरवाजा खोला और फिर सलमान घर के अंदर गए। दोनों के बीच रिश्ते में करवाहट घुलने की मुख्य वजह शादी थी। जहां प्यार होता है वहीं झगड़ा होता है। वहीं सलमान ने एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या से रिश्ता टूटने पर कहा, जब आप किसी से प्यार करते हैं तो उसके लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन जब आपको बदले में प्यार नहीं मिलता है तो आप वॉयलेंट हो जाते हैं। हर रिश्ते में लड़ाई झगड़े होते हैं। यदि आप झगड़ते नहीं तो आपके बीच प्यार नहीं है। आप कभी किसी बाहरी आदमी से झगड़ा नहीं करते। दोनों के करीबी दोस्त बताते हैं कि ऐश्वर्या तब शादी के लिए तैयार नहीं थी और सलमान को आनाकानी रास नहीं आई। रही सही कसर तब पूरी हो गई जब सलमान अपनी एक्स गर्लफ्रेंड सोमा अली की मदद करने अमेरिका गए। उन्होंने तब इस बारे में ऐश्वर्या राय को कुछ भी नहीं बताया था। आखिरकार 2002 में हो गया ब्रेकअप। सोमी से मिलने के बाद सलमान जब अमेरिका से लौटे तो ऐश्वर्या बेहद गुस्से में थी, लिहाजा उन्होंने ब्रेकअप की बात की। पहले की नाराजगी, बाद का गुस्सा, सलमान और ऐश्वर्या का प्यार इसी की भेंट चढ़ गया। 2002 में आखिरकार दोनों का ब्रेकअप हो गया। लेकिन इस ब्रेकअप से पहले नवंबर की उस रात को सलमान के गुस्सा रवैये ने दुनिया को एक डेली सोप जैसा किस्सा दे दिया था। ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या का वो इंटरव्यू सामने आया जिसने लोगों को हिला डाला। ऐश्वर्या राय ने 2002 में ब्रेकअप के बाद अपने पहले इंटरव्यू में कहा था, वह मुझे फोन करते और फालतू की बातें करते थे। उसने मुझ पर हमेशा शक किया कि मेरा को-स्टार्स के साथ अफेयर है। कई बार ऐसा भी हुआ जब उसने मेरे साथ मारपीट की। ऐश्वर्या के इस इंटरव्यू के कुछ महीनों बाद सलमान से जब इन आरोपों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं जब बहुत इमोशनल हो जाता हूं और गुस्से में होता हूं तो खुद को चोट पहुंचाता हूं। मैंने दीवार पर अपना सिर भी पटका है, लेकिन मैं किसी दूसरे को चोट नहीं पहुंचा सकता। ये आखिरी मौका था जब सलमान ने इस पूरे मसले पर कभी कुछ कहा हो। इसके बाद उन्होंने हर बार ऐसे सवालों को टालने का काम किया है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर यह वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। अगर यह वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।